उत्तर प्रदेश में नगरीय चुनाव है, आप भारतीय जनता पार्टी से MLC हैं, तो इसमें सरकार की क्या तैयारी है और आपकी क्या तैयारी है? अब उसको लगता है इस बार हमारी जो पन्ना प्रमुख बूथ प्रमुख शक्ति केंद्र से द्वारा जितने भी हमारे कैंडिडेट तैयार किए गए हैं वो जबरदस्त तरीके से सारे कैंडिडेट बड़े सुरक्षित ढंग से रखे गए हैं और मुझे हर कैंडिडेट बहुत ही स्क्रीनिंग करने बाद आया, उस पर विचार के कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। अच्छे कैंडिडेट होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर निकाय चुनाव में जबरदस्त तरीके से अपनी बढ़त और जीत लेकर गया है। पार्टी में चुनाव में पार्टी में प्रत्याशियों को लेकर के काफ़ी टाइम लगा, तो इसके विषय में कैसा मंथन चल रहा था, क्या इसकी तैयारी है? जाहिर बात है कि जब पूरी स्क्रीनिंग की जाती है तो एक एक बच्चे एक एक कैंडिडेट के बारे में पूरी जानकारी ली गई और जो जिताऊ था जो अच्छा कैंडिडेट था उसी को पार्टी ने टिकट दिया। क्या आपसे कुछ मतभेद भी पार्टी में चले हैं कि टिकट को लेकर के बंटवारे को लेकर के? जाहिर बात है जब 12 लोग मांगेंगे और सिर्फ एक टिकट मिलेगा तो बाकी 11 लोग तो कहेंगे हमको नहीं मिला और ये कर देते वो कर। इसका असर क्या नगर पंचायत चुनाव में दिखाई देगा? आप हमारी भारतीय जनता पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता है बड़ा सुव्यवस्थित है और बड़ा अनुशासित है और भारतीय जनता पार्टी से अनुशासन पार्टी कोई है ही नहीं, इस वजह से हर कार्यकर्ता कमल का फूल को ही वो अपना कैंडिडेट मानता है और कमल के फूल को किसको दिया इसे मतलब नहीं, कैंडिडेट से वे कमल का फूल और उसी को सब हमारे लोग वोट देंगे समर्थन करेंगे और पूरे पुरजोर तरीके से इस बार नगर निकाय चुनाव में आप देखिएगा तो सुबड़ा साफ होगा फिर बचेगा। अतीक अहमद मटर केस का क्या इस चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? जबरदस्त फर्क पड़ेगा क्योंकि अब तो अपराध मुक्त जो संगठित अपराधी माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था कि ये संगठित अपराध आखिरी है तो हकीकत में आखिरी करके दिखा भी दिया और मिट्टी में मिला दिया सारे अपराधियों को। जाहिर बात है कि अब जो आने वाला चुनाव है तो इसमें नगर निकाय का चुनाव इसमें जबरदस्त अपराध मुक्त होगा और ये सबके अंदर विश्वास हो गया है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी अनुशासन प्रिय है अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त है, इस वजह से पूरी लोग पूरा अच्छा समर्थन करेंगे और इसका चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा खासकर महिलाओं पर बहुत हमारी तरीके से। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव में? यही अपील करना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट वो सबसे बड़े अच्छे छवि के उभारे गए हैं उनको सभी लोग अपना जन समर्थन और साथ देकर के भारी मतों से जीते।